हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी मैंने एक लाइव कॉलेज विजिट करके सरदार पटेल जो कि नया खुलने वाला है, ठीक है, उसका मैंने लाइव वीडियो दिखाया है। ठीक है, अब मैं, ये मेरा ब्लॉग 2 है, ठीक है, जिसमें मैं फिर से एक लाइव कॉलेज विजिट करने वाला हूँ जो कि है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर में। तो गाइस, अभी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे लगा सीतापुर अभी आगे था, मैं अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था जो कि बरेली में है, ठीक है। तो अभी मुझे लगा कि सीतापुर जो है अभी आगे था, लेकिन कॉलेज जो है उनका पीछे है, मतलब थोड़ा आउटर में है। तो मैं अराउंड 32 किलोमीटर पीछे आ गया था उसके वजह से। अब मैं फिर से जा रहा हूँ 32 किलोमीटर बैक, ताकि वो कॉलेज आप लोग को दिखा सको। वो ठीक है सीतापुर रोड पे, और रोड पे ही है वो कॉलेज, ठीक है, जो कि मुझे अभी मैप में पता चल रहा है, अतरिया या ऐसे करके कोई जगह है, अतरिया करके, ठीक है, वहाँ पे है ये कॉलेज। तो गाइस, चीज़ें ये हैं कि यार अब काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस समय मैं सोच रहा हूँ लाइव पेशेंट फ्लो आपको हिंद सीतापुर का दिखाऊं, जो कि एकदम लाइव होगा, ठीक है, पूरा अनबायस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे सफ़र में क्या क्या आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद मैं आपको वरुण अर्जुन का भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, कॉलेज विजिट करते हैं, ठीक है, और लाइव आपको प्रूफ दिखाते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें चल क्या रही हैं कॉलेज में। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे क्या होता है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अभी देखिए आप लोग के लिए पीछे जाके मैं वीडियो बनाने के लिए फिर से पीछे जा रहा हूँ, जो कि मैं अराउंड 40 किलोमीटर आगे आ चुका था, अब 40 किलोमीटर फिर से पीछे जा रहा हूँ सिर्फ वीडियो पर्पज के लिए, कि आप लोग को एक प्रॉपर रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, ये लखनऊ की तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और मुझे जाना इधर था, इधर जो कि बरेली की तरफ था, ठीक है। तो अभी मैं लखनऊ की तरफ फिर से निकल रहा हूँ, जो कि कॉलेज जो कि पीछे ही छूट गया है, आप लोग को रिव्यू दिखाने के लिए। तो ये जो रोड होता है, ये सीतापुर रोड इसको कहते हैं, ठीक है, और कॉलेज शायद अतरिया में है यहाँ पे ही। तो आगे मैं जाके दिखाऊंगा, और पीछे अभी फिर आगे जाऊंगा कॉलेज विजिट करके, फिर से पीछे जाऊंगा, तो रास्ते में वरुण अर्जुन भी पड़ेगा, तो उसका भी आपको रिव्यू दिखाएंगे हम, ठीक है, उसका भी लाइव विजिट होगा, सब कुछ होगा। तो वो चीज़ आप एंड में वीडियो तक बने रहिएगा, ताकि हर चीज़ का डिटेल आपको एंड तक मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, वीडियो में बने रहिएगा गाइज। अभी यार जैसा बताया था कि मैं सीतापुर जा रहा हूँ, यहाँ मुझे लोकेशन में बहुत दिक्कत है, मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है लोकेशन में। आप देख सकते हो कि सीता, ये हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बताता है तुम्हारा सीतापुर में, लेकिन आपको, रुको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। देखो जैसा अभी मैं मतलब 40 किलोमीटर आगे पहुंच गया था, जो कि मुझे बरेली जाना था, फिर मुझे लगा कि सीतापुर में आप लोग को दिखा देता हूं रुक के कि कॉलेज वगैरह कैसा है। बाकी बरेली के भी सारे कॉलेजेस हम कवर करेंगे जल्दी ही, सारे कॉलेजेस की लाइव वीडियो आएगी, जो कि लाइव पेशेंट फ्लो हम दिखाएंगे सारे कॉलेजेस की, ठीक है। तो इसमें यार अगर तुम देखोगे, ये देखो आगे सीतापुर ये कॉलेज दिखा रहा है, लेकिन अभी तुम इसको जूम इन करूँ अगर, ठीक है, ये तुम देखो कॉलेज कहाँ पे है, जूम इन कर रहा हूँ, ये देखो ये लखनऊ है, ठीक है, यहाँ पे है कॉलेज कहीं पे, यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, और दिखाता हूँ तुम्हें सीतापुर कहाँ पे है। अरे यार ये मैप का भी अलग ही चक्कर होता है, ये देखो सीतापुर तुम्हारा यहाँ दिखा रहा है और कॉलेज तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटर में है सीतापुर के। सीतापुर तो मैं मानता ही नहीं कि सीतापुर में है, ठीक है, भले अतरिया आता होगा सीतापुर में, मतलब एकदम मार्जिन पे है, मतलब सीतापुर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे ये कॉलेज इन्होंने बनाया है, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे सारे नाम्स लखनऊ के दिख रहे हैं, मतलब आसपास जितने बोर्ड लगे हैं सब लखनऊ के दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, वहाँ पे भी एक स्टूडेंट को हमने बुला लिया है हमारे पहचान के, ठीक है, जो कि हमें कॉलेज के बारे में सब बताएगा, और लाइव पेशेंट फ्लो भी हम देखेंगे कॉलेज का, ठीक है। तो वो चीज़ आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। और देखिए जो दिक्कत थी मैंने बता दिया है, कॉलेज बस पहुंचने ही वाला है, साइड में गाड़ी लगा दिया, आप ये कॉलेज का बाहर का व्यू देख सकते हो, ठीक है। और चलिए अंदर इसके लाइव पेशेंट फ्लो की और सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे, आके देखते हैं अंदर कितने पेशेंट आते हैं कितने नहीं। तो गाड़ी अभी हम यहीं पार्क करेंगे रोड के साइड में ही, जो कि सही साइड है, और लाइन के इस पार भी पार्क में। तो चलिए देखते हैं आगे कॉलेज का क्या व्यू रहता है, बहुत गर्मी में वीडियो गाइस बनाना पड़ता है आप लोग के लिए, हर कॉलेज विजिट करूंगा, यूपी का तो करूंगा ही, बाकी कोशिश करूंगा जितना कॉलेज मैक्सिमम विजिट कर पाएं, विजिट करके आपको लाइव पेशेंट फ्लो दिखाएं। तो यार इतने मेहनत करने के बाद अगर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो यार मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में, मज़ा नहीं आएगा। तो गाइस अभी हम कॉलेज पहुँच गए हैं, ठीक है, अभी तो मैं अकेले ही हूँ ब्लॉगिंग करने आया हूँ, देखता हूँ आगे क्या क्या होता है। कॉलेज वो देख सकते हो आप पीछे, ये कॉलेज है, ये आप हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये कॉलेज है,
ठीक है। देखो यार दिक्कत क्या है कि मतलब ये प्रॉपर मुझे लग रहा है सीतापुर में नहीं है, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा आउटर में है। मतलब इधर आप जाओगे, इस साइड जाओगे, इस साइड जाओगे तो लखनऊ आ जाएगा, ठीक है, और सीतापुर आपका पीछे साइड है। काम करने में मजा नहीं आता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज सपोर्ट करना गाइस। और बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मैं कॉलेज का एग्जैक्ट रिव्यू, एग्जैक्ट पेशेंट फ्लो वगैरह आपको दिखाता रहूँगा। चलिए कॉलेज के अंदर घुसते हैं और देखते हैं क्या सीन चलता है एग्जैक्ट इस कॉलेज में, कितने पेशेंट हैं। ये कॉलेज के अंदर हम आ चुके हैं। ये कॉलेज का आप देख सकते हो ये एकेडमिक ब्लॉक है, मतलब एडमिशन रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ एडमिट ब्लॉक में मिलेगी। और अभी हम इस तरफ जा रहे हैं पेशेंट फ्लो वगैरह देखने, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइज अभी जैसा मैं आपको बताया था कि एकेडमिक ब्लॉक मैंने दिखा दिया है, तो आगे सामने से इमरजेंसी पड़ेगा ना। जी जो सामने से इमरजेंसी, यहाँ पर कैजुअलिटी इमरजेंसी, यहाँ पे सामने से कैजुअलिटी और इमरजेंसी दोनों है, ठीक है, वही इमरजेंसी में कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है। तो आइए आपको लाइव पेशेंट फ्लो यहाँ का दिखाते हैं फिर। और ये क्या है, पेशेंट है क्या यहाँ पर? ये इमरजेंसी है और ये देख लीजिए पूरे पेशेंट है। इधर यहाँ पे क्या, ये फार्मेसी है आपका, मतलब मेडिसिन वाला ना, फार्मेसी कोर्स भी होता है। नहीं नहीं, फार्मेसी खरीदने के लिए, मेडिसिन। ये यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड आ गया आपका, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं इमरजेंसी वार्ड में। नॉर्मल वो कहाँ है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आ गया, ये इमरजेंसी वार्ड है जी। इमरजेंसी वार्ड में आपने देख लिया होगा, पेशेंट फ्लो भी आपको इमरजेंसी वार्ड का दिखाया हूँ, अब आगे नॉर्मल हॉस्पिटल का ओपीडी का दिखाते हैं पेशेंट फ्लो। ये सारे पेशेंट ही लग रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ब्लड बैंक पड़ता है। और ये हॉस्पिटल है, ये क्या है, ये ओपीडी के अंदर के जाने का है, पर वहाँ से मेन ओपीडी का, दोनों तरफ से ओपीडी जा सकते हैं, ऐसे भी। और मेन हॉस्पिटल वो है, ये है, ये देखिए मेन हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल तो काफी बढ़िया बनाया है यार, बाई लुक। धूप है भाई। चलिए आपको लाइव फिर पेशेंट फ्लो दिखाते हैं, आइडिया लग जाएगा एक, मुझे जानते थे तो। अच्छा ये आप ओपीडी देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मली इससे ज़्यादा रहता है, नॉर्मली बता रहा है इससे ज़्यादा रहता है, गर्मी की वजह से थोड़ा पेशेंट फ्लो कम है। और देखिए वो कॉलेज आप रोड पे ही है, तो यहाँ पे ये पूरा हॉस्पिटल है, ये आप पेशेंट फ्लो देख सकते हो, नॉर्मली ये यहाँ का पेशेंट फ्लो है। और ऊपर सारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट फ्लो किस वार्ड में है? ऐसे तो नहीं है, मतलब इन जनरल जैसे सर्जरी काफ़ी अच्छा है, सर्जरी काफ़ी अच्छा है, सर्जरी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। ये हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, इधर इधर ही ऑप्था डिपार्टमेंट आ जाता है, ये पेशेंट फ्लो देख सकते हो ऑप्था डिपार्टमेंट में, ऊपर सर्जरी है। हाँ तो ऊपर जाएंगे, चलो ये छोड़ो। यहाँ पे नॉर्मल आपको पेशेंट फ्लो दिखा दिया मैंने और ऑप्था का भी दिखा दिया, ये हॉस्पिटल का पूरा कवर कर लिया है। अब चलिए आगे देखते हैं कॉलेज वगैरह के बिल्डिंग कहाँ पे, मगर दिखा देता हूँ वीडियो में। तो ये गाइस ये क्या है, ये अल्ट्रासाउंड रूम है, अल्ट्रासाउंड रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट। बाकी ये कैंटीन है सामने और ये आपका हॉस्पिटल था। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे हॉस्पिटल देखने में, अंदर पेशेंट भी ठीक ठाक थे, ठीक है। तो ये आपका कैंटीन आ गया,
इधर क्या है? इधर से चलते हैं कैंटीन से। यहाँ पर ये पीजी जो रहता है, यहाँ पर पीजी वालों का रेजिडेंशियल एरिया है। पीजी वालों का रेजिडेंशियल एरिया है और इसके जस्ट सामने ग्राउंड है। अच्छा, हमारा क्लास नहीं था क्या आज? नहीं, बस हमारी तो बंद हो गया था, एग्ज़ाम है एक महीने बस। गर्मी की छुट्टी चल? हाँ, छुट्टी चल रही थी, मैं जल्दी वापस आ गया, कल रात में तो आया था वापस। अच्छा, छुट्टी खत्म हो गई? नहीं नहीं, चल रही है, पर अब तैयारी भी करनी है उसकी। अच्छा, ये रेजिडेंशियल एरिया है पीजी वालों का? पीजी वालों का रेजिडेंशियल एरिया है। ये ग्राउंड आप देख सकते हो, इसके आगे तो टीचिंग ब्लॉक वगैरह है उनके। ये ग्राउंड एरिया है पूरा। इधर क्या है? ये भी सेम ही ओपीडी वाला ही। और उधर क्या बन रहा है? वहाँ पर नया हॉस्टल बन रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हो नया हॉस्टल बन रहा है। आगे चलते हैं, वहीं चलना है। चलो, वो नया हॉस्टल आप देख सकते हो, वो इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे तुम लोग के नॉर्मल से। हाँ, इसमें बनाए बैठा है काफ़ी। एकोमोडेशन कितने का? एकोमोडेशन ऐसे तो अभी तो हम लोग चारों मतलब रह रहे हैं, जो हमारा पुराना हॉस्टल है उसके अंदर जितने भी सीनियर्स हैं हमारे, हम लोग सब रह रहे हैं। बस पीजी वाले यहाँ पर रहते हैं, बाकी हम सब साथ में रहते हैं। 19 बैच तक सब लोग रहते हैं, हर बैच 150 है, तो आप लगा लो 4 बैच के हिसाब से सब रह रहे हैं। एक रूम में कितने लोग रहते हैं? 3। एक रूम में 3 लोग रहते हैं? हाँ, वो तो मैंने एकोमोडेशन वाले में लिखा रहता है। और बाकी ये क्या कहते हैं, सिंगल या डबल रूम लेना है तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज है? नहीं नहीं, वो मिलता नहीं है जनरली, वो 3 रूम ही देता है। पर कोई किसी की किस्मत में तो आता है, जैसे कि हमारे एक लड़का है तो उसको सिंगल रूम मिल गया था, तो अच्छा। लास्ट में आया था तो रूम एक बचा हुआ था। अच्छा, तो ये सब नया हॉस्टल बन रहा है अभी? ये नया हॉस्टल बन रहा है। और वो क्या है? वो अपना मैस है, दोनों का बगल में, बॉयज गर्ल्स का नहीं, ऊपर बॉयज के बगल में है, सीनियर्स की है, हमारी मैस दूसरी है, मतलब 2 मैस है यहाँ पर कॉलेज में टोटल। वो मैस एरिया है? हाँ, ये मैस एरिया, इसमें नर्सिंग वाले भी आते हैं। कॉलेज का ग्रोथ काफी बढ़िया हो रहा है, ये ऑडिटोरियम बन रहा है उस तरफ। अच्छा, ये 12 बंकी वाला सेम ही डायरेक्टर का है क्या? हाँ, सेम ही है डायरेक्टर, सेम है। अच्छा, ये मेस है और ये वही ओपीडी वाले चल रहा है। ये मेस है गाइस, आप देख सकते हो, ये वही ओपीडी वाला है, ये वही हॉस्पिटल का पीछे वाला पार्ट है। और क्या क्या है इधर? क्या है आगे से? आगे से। अच्छा, वो हॉस्टल आ जाएंगे अपने वही हॉस्टल। ये नर्सिंग का गर्ल्स हॉस्टल था, ये जो अभी हम लोग पीछे से ही आ रहे हैं। कहाँ पे? ये वाला पीछे, ये जो है नर्सिंग, ये नर्सिंग का गर्ल्स हॉस्टल है। और वो क्या है? वो नर्सिंग की बिल्डिंग है, नर्सिंग यहाँ पर, वो नर्सिंग की बिल्डिंग है गाइस, एकेडमिक ब्लॉक में, वो देख सकते हो वो वाला। इन लोग का हॉस्टल किधर है? चलिए हॉस्टल एरिया दिखाते हैं आपको, ग्राउंड और ये सब तो आप देख ही लियो। हॉस्टल एरिया एक बार आपको दिखा देते हैं गाइस। ये आपका MBBS बॉयज़ हॉस्टल है, ये आप देख सकते हो। और इसमें एक रूम में 3 लोग का एकोमोडेशन है। और इधर जाओगे आपका तो गर्ल्स हॉस्टल पड़ेगा। इधर इधर से सीधे ये कैफेटेरिया है, इधर कैफे वाला एरिया है। ये बॉयज़ हॉस्टल है, इसमें मतलब सब रहते हैं क्या? UG, PG? पीजी में, पीजी वाला इधर रेजिडेंस ले रहे निकल गया। कौन कौन सा बैच? सिर्फ यूजी होता है, 19 बैच तक रहता है एक हॉस्टल में। यहाँ पे गाइस 18 भी है, ये भी सिस्टम स्कूल है। ये किस चीज़ का? छोटा मतलब बच्चों का स्कूल है। और ये हमारे 3 कैफे हैं, ये 3 कैफे है और बच्चों का स्कूल है, स्कूलिंग भी चलती है हमारे कॉलेज के अंदर, ये स्कूल भी चलता है अंदर। और वही ये कैफेटेरिया है। बाकी ये आपको हॉस्टल दिखा दिया हूँ, इसी एक ही हॉस्टल में सारे लोग रहते हैं। 19, 18 बैच भी रहते हैं? 18 बैच वाले तो इंटर्न कर रहे होंगे, छूटने वाली होगी 19 की, अभी लगी होगी इंटर्नशिप, चालू हुई है, हो गया। अंदर चले, कौन सी तो आप देख सकते हो कॉलेज हॉस्टल के अंदर आ गए हम लोग। ये ऐसे आपको रूम मिलेगा, ये सब नॉन एसी है क्या? बस मैं बता रहा एसी और नॉन एसी जो गाइस। ये आप पूरा हॉस्टल वाला आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है।
ये पूरा हॉस्टल एरिया है यहाँ पे, बॉयज़ हॉस्टल। ये फर्स्ट फ्लोर पे 19 बैच रहता है। यही बता दें इस कहाँ ले जा रहा है। ये सेकंड फ्लोर पे 22 बैच, ये सेकंड फ्लोर पे 22 बैच रहता है। ये वाले हमारा 23 बैच, 21 बैच ऊपर और नीचे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से। अब ऊपर जाके दिखाने का कोई मतलब नहीं, सब सेम ही रूम है। यहाँ लिफ्ट भी लगा है, लिफ्ट वर्किंग है पर अभी बंद है, लाइट नहीं आई। चलो चला जाओ। तो ये पूरा हॉस्टल एरिया आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा धीरे बनाना पड़ता है क्योंकि और डिस्टर्बेंस ना हो फालतू के। तो ये पूरा हॉस्टल एरिया गाइस आप लोग को दिखा दिया हूँ, ये पूरा देख सकते हो, ठीक है। ये बैच वाइज फ्लोर पे डिवाइडेड है, 19, 20, 22 जैसे भी है, बैच वाइज फ्लोर डिवाइडेड है। तो आगे चलिए देखते हैं और क्या कौन सा देख सकते हो। ये स्टडी रूम है, यहाँ पे स्टडी रूम है, यहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही दिया, आप यहाँ पढ़ सकते हो आके, ठीक है। एक बच्चा पढ़ रहा है। ये नर्सिंग का पीछे वाला है जो अभी आगे पीछे वीडियो में आपको दिखाया था। अभी यहाँ बॉयज़ हॉस्टल का एक बार मैच देख सकते हो, लास्ट यही बचा है। ये तो आपका हॉस्टल पड़ेगा बॉयज़ वाला, कंबाइंड मैच है, बॉयज़ और गर्ल्स की कंबाइंड मैच है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉयज़ और ये मैच एरिया हो गया आपका, बॉयज़ और गर्ल्स की कंबाइंड मैच है यहाँ पे, जैसा कि भाई मुझे बता रहा है। और इसके ऊपर जिम होगा, इसके ऊपर जिम वाला एरिया है पूरा। चलिए अंदर से दिखा देता हूँ। नीचे लॉन्ड्री है, नीचे लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री का क्या चार्ज है? लॉन्ड्री का पर ईयर पड़ता है 10,500 पर ईयर। लॉन्ड्री का चार्ज कंपलसरी है, 10,500 पड़ता है पर ईयर। ये ऊपर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ऊपर ये मैस है, मैस अभी बंद चलेगा, मैस का टाइम बंद हो गया। के ऊपर जाएंगे तो आप जिम पड़ेगा, जिम भी अभी बंद ही होगा। चलो तो ये पूरा मेस था, बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइंड मेस है। यहाँ पे एडमिशन आपका होता है तो यहीं पे आपको खाना खाना है। तो गाइज ये पूरा हमने कवर कर दिया है, ठीक है, इन सीतापुर। तो चलो शॉर्ट में इसके डीमेरिट्स बता देता हूँ, ठीक है। देखो कॉलेज तो ये बगल में ही है मेरे, सब कुछ मैं देख के आ गया हूँ, ठीक है। वैसे ही पहले भी हमने जो रिव्यू वीडियोस बनाते हैं वो इस देख के आ जाता था, लेकिन मैं आपको ब्लॉगिंग कभी नहीं दिखाया। तो ये हमने नया कॉन्सेप्ट दिखाया है ब्लॉगिंग का। यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, गर्मी का मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। मतलब वो तो ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, उसकी तो कुछ नहीं किया जा सकता है। इस साइड ज़्यादा गर्मी पड़ती ही है। प्लस आप ये समझ लो कि कॉलेज में सब कुछ सही है, ठीक है, कोई चीज़ मुझे दिक्कत नहीं लगी है। दो तीन चीज़ें हैं, देखो कॉलेज में बास्केटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। एक ग्राउंड दिखा है, फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड दोनों सेम ही है। तो ये सारी चीज़ें, और एक एक्स्ट्रा करिकुलर में मुझे दिखा है जिम है, ठीक है, ग्राउंड और जिम है, दो ही चीज़ है। देखो कैंपस बहुत छोटा है, कैंपस बड़ा नहीं है। हॉस्पिटल जिन्होंने ठीक ठाक साइज का बनाया है, हॉस्पिटल अच्छा है, साइज़ वगैरह सब कुछ अच्छा है, कैंपस बहुत बड़ा नहीं है। जितना दिखाया हूँ बस वही कैंपस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी कोई फीचर नहीं है। बास्केटबॉल ग्राउंड सोचो, ठीक है, या फिर टेनिस कोर्ट सोचो, या तुम बैडमिंटन के शौकीन हो। एक्स्ट्रा करिकुलर पर इन्होंने कम ध्यान दिया है, ठीक है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी अंदर इनका खुद का एक स्कूल भी है, और जो हिंद बाराबंकी और हिंद सीतापुर है दोनों का डायरेक्टर सेम है। इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा इस वजह से जाती है क्योंकि इसका बजट 60 लाख या 59 लाख के अराउंड, 60 लाख के अराउंड इसका टोटल फीस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कैंपस का मैंने एग्जैक्ट रिव्यू दे दिया भाई। वीडियो को अगर एंड तक देखोगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि यार और मोटिवेशन है। आप लोग व्यूज़ दोगे, सब्सक्राइब करोगे तो और मोटिवेशन आएगा कॉलेजेस को विजिट कर करके आप लोग को दिखाने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर व्लॉगिंग वगैरह चाहिए होगा नॉर्मल मेरे डेज का व्लॉगिंग, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। काफ़ी मेहनत करके आया, देखो अकेले ही हूँ, ठीक है, अकेले निकल रहा था घर के लिए, कॉलेज के लिए। तो मैंने रास्ते में देखा और बहुत आगे निकल गया था, 40 किलोमीटर दूर, वहाँ से पीछे आया हूँ 40 किलोमीटर दूर सिर्फ ब्लॉग करने के लिए। अभी देखो मुझे बरेली के लिए वो वाली रूट पकड़नी है। अभी मैं पीछे से आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत आगे निकल गया था ब्लॉग करने के लिए, तो अब मुझे वो वाली रूट फिर से पकड़नी पड़ेगी उसके लिए, ताकि मैं बरेली जा सकूँ, ठीक है। तो ये पीछे ही आपका यही कॉलेज है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है। और रूम वगैरह वही रूम भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे हॉस्टल का, वो तो नॉर्मली उतना अच्छा नहीं होता है देखा जाए तो। बाकी ये अतड़िया में पड़ता है सीतापुर, ठीक है, वो बोर्ड उधर लगा है, ठीक है।
तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हमसे अगर पेड काउंसलिंग करवानी होगी या अगर आपको इंटरनल डिटेल्स चाहिए होगा कॉलेजेस की, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके बुकिंग करा सकते हो, वहाँ पे हम पेड काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए वीडियो को ही एंड करते हैं, और वीडियो पे नए हो कि सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।